Hello everyone. In the last lecture, I gave you these notes and asked you to write in your notebook. Hope you all have returned those notes. So today we'll be starting with the Python introduction. Okay, so before going into the code, like how we'll work with the code, what will be the variables, data types. First, we should know about the Python, what kind of language it is, and how it is different from the other languages. Who created Python, and what features it provided to us? What are the applications of Python? So these are just the theory part or the basics of Python that you should know before going into the detail. The Python. Okay, now before this, one more thing I wanted to share with you, and that is your syllabus part. In the last lecture, I have told you about your syllabus part, like how we'll study and what chapter I'm taking first, and how many units are there, and the names of the units. Everything we have discussed in the last video. So today, I wanted to share something else with you about the syllabus. Okay, and that is, as you can see, the topic attention CBSE syllabus 2020-21 changed as per the new NCERT academic calendar. Okay, so ye aapka jo syllabus hai only for this session 2020-21 yani aapka jo bhi session hai iske liye change hua hai. And you know the reason, because of the COVID-19. Okay, corona. So corona disease ki wajah se आपका जो क्लासेस वगैरह है थोड़ी डिले हो गई है, स्कूल सभी रीओपन नहीं हो पा रहे हैं. ओके, सो आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है. अभी तक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है कि कौन से चैप्टर में से क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हिंट हमको मिल गया है कि हम किस तरीके से अपना सिलेबस जो है प्लान करें, किस तरीके से उसको पढ़ें. ओके, सो जैसे कि कल लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको टोटल 4 यूनिट्स हैं. उन 4 यूनिट्स को मैंने आपको डिटेल में बताया था. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्लियर एंड नाउ. सो पहले आपकी, जो मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में, टोटल यूनिट्स थी आपकी 4. ओके, और इस बार अब आपकी टोटल यूनिट्स होने वाली है, वो होने वाली है ओनली 3 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट आपकी बिल्कुल हट जाएगी. ओके, सो यूनिट 1 जो है आपकी, यूनिट 1 एज इट इज़ रहेगी, बट उसमें 5% मैटर नीड टू बी एडेड. इसका 5% मैटर जो है वही ऐड होगा. यूनिट 2 में जो है अप्रॉक्सीमेटली 20% मैटर नीड ऐड होगा. अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि क्या टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं, बट हमको इतना आइडिया लग गया है कि यूनिट 1 एंड 2 आने वाली है और इतना इतना परसेंट मैटर उसमें ऐड होने वाला है. ओके, यूनिट 3 जो है वो टोटली डिलीटेड है. यूनिट 3 में से आपका कुछ नहीं आने वाला है. दैट मीन्स हम यूनिट 3 को नहीं पढ़ेंगे, हम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4 को पढ़ेंगे. यूनिट 4 में आपका 50% मैटर जो है वो ऐड होगा. ओके, सो ये हमारा सिक्वेंस रहेगा. अब हमें 4 यूनिट्स नहीं पढ़नी, 3 यूनिट्स पढ़नी है. यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे बिल्कुल डिलीटेड है, तो हम स्टडी नहीं करेंगे, 1, 2 एंड 4 करेंगे. अब 1 में जैसे कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना मैटर ऐड होने वाला है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो ऐड होने के बिल्कुल ज़्यादा चांसेस है, वहाँ से मैं आपकी स्टार्टिंग कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन इंट्रोडक्शन. सो इन द पाइथन इंट्रोडक्शन यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रिटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो हमने 4-5 पॉइंट्स देखे, इट इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यही इसके एडवांटेज है, यही इसके की फीचर्स हैं. तो सारा कुछ जो है वो आपके इस डेफिनेशन के अंदर ही छुपा है, और इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम क्यों पाइथन को जनरल पर्पस बोल रहे हैं, क्यों इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्यों हम इसको इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और इन सबका मीनिंग क्या होता है. ये सब हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ओके, बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इट वॉज क्रिएटेड बाई गुडो वन रोसम ड्यूरिंग 1985-1990. इसको क्रिएट किया गया था गुडो वन रोसम के द्वारा. ओके, आपको इसका पता होना चाहिए, इस पाइथन लैंग्वेज को किसने बनाया है, और सेशन जो था जब बना था 1985-1919 के बीच में. ओके, अब जैसे कि दूसरी लैंग्वेज है लाइक पर्ल, पाइथन सोर्स कोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस. ओके, तो ये जो अवेलेबल है, इसका जो लाइसेंस है हमारा, वो है जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL.
ओके तो आपको इसका लाइसेंस का नाम पता होना चाहिए, किसने क्रिएट किया पता होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन था बिल्कुल पाइथन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और द की फीचर्स ऑफ पाइथन। सो अभी जो हमने डिस्कस किया थे इसके अंदर जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये हमारे की फीचर्स है, इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे कि हम पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं। ओके सो आपने आपकी 9th 10th क्लास के अंदर जूनियर क्लासेस के अंदर ये स्टडी किया होगा कि आपकी जो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना, जो कि 1010 फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। और हम जो ह्यूमन लैंग्वेजेस जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ उसको हम कैसे स्पेल करेंगे, लाइक आई एम अ टीचर। सो हमारे जो वर्ड्स है कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, ये हमारी लैंग्वेज होती है। अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, हम जब भी कुछ टाइप करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो उस कमांड को उस इन्फॉर्मेशन को पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर अपनी ही लैंग्वेज में आउटपुट देता है। वो आउटपुट जो फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके हमारे पास मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। ओके सो बेसिकली जो कन्वर्जन का प्रोसेस है कि ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना और पूरा आउटपुट प्रोसेस होने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में जो कन्वर्शन हो रहा है, ओके वो कन्वर्जन करता कौन है, लैंग्वेज कन्वर्शन। तो वो जो कन्वर्ट करने वाला होते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, बेसिकली हम उनको बोलते हैं ट्रांसलेटर्स। ओके तो उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसलेटर्स के दो टाइप्स है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी दोनों ही टाइप के ट्रांसलेटर्स है जो लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन टू मशीन, मशीन टू ह्यूमन। ओके सो कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर, इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर विच ऑल्सो कन्वर्ट्स दी वन ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन और मशीन टू ह्यूमन। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सेम काम कर रहे तो कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में। ओके सो डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर जो है आपके पूरे प्रोग्राम कोड को एक ही बार में पूरा पहले रीड कर लेता है एंड देन पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करके फाइनली आपको आउटपुट में दिखाता है। अगर आपको पूरा प्रोग्राम सही है तो आपको फाइनल आउटपुट दे देगा, और अगर कहीं पर मिस्टेक है तो पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद, पूरा रीड करने के बाद आपको फिर वो एरर बताता है कि लाइक फर्स्ट लाइन पे एरर है या आपकी 28th लाइन पे एरर है, जहाँ पे भी एरर है वो पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद आपको बता रहा है। लेकिन पाइथन क्या करता है, वो कोड को पूरा एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता है, पूरा एक साथ उसको कन्वर्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। पहले फर्स्ट लाइन को रीड करता है, उसका आउटपुट प्रोसेस होगा, फिर सेकंड लाइन में उसका आउटपुट प्रोसेस होगा, देन थर्ड लाइन, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये लाइन बाय लाइन आउटपुट आगे आपको उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पे अगर सपोज आपका 1000 लाइन का कोड है और अगर आपके 100th लाइन पे कोई एरर है तो वहीं पे स्टॉप कर देगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, 100th लाइन पे अगर उसको एरर मिले तो वहीं पे स्टॉप कर देगा और हमको फाइनल आ जाएगा कि 100th लाइन पे एरर है। ओके हम पहले उस एरर को रिकवर करेंगे तो फिर से वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफरेंस है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर टेक्स होल कोड टुगेदर एंड देन एग्जीक्यूट द कोड, और इंटरप्रेटर टेक्स द कोड लाइन बाय लाइन एंड देन एग्जीक्यूट इट। ओके सो पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि वो उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यानी ये कोड की एक एक लाइन को लेके लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है, ना कि कंपाइल करता है। ओके और जो कंपाइल करते हैं, कंपाइलर्स जो होते हैं जैसे कि आपकी सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस है, वो बेसिकली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है, उनमें कंपाइलर होता है जो पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। पाइथन उसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो होपफुली अब आपको इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, और हम पाइथन को इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके एक बार इसको रीड कर लेती हूँ। पाइथन इज प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। ओके यू डू नॉट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। हम इसको कंपाइल नहीं करते, दिस इज सिमिलर टू पर्ल एंड PHP। पाइथन लैंग्वेज आपका पर्ल एंड PHP की तरह वर्क करता है। ओके पर्ल एंड PHP भी एक तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है आपका पाइथन इज इंटरैक्टिव। ओके पाइथन जो एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज होती है, व्हाई, यू कैन एक्चुअली सेट एट अ पाइथन प्रॉम्प्ट
and interact with the interpreter directly to write your programs. Okay, so आप जो है Python prompt के साथ में जो है डायरेक्टली काम कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे पाइथन के अंदर दो मोड्स आपको प्रोवाइड होंगे, एक इंटरैक्टिव मोड होगा, एक आपका स्क्रिप्ट मोड होगा. ओके, बाकी जो सारी लैंग्वेज होती है C++, जावा, ये सारी जो लैंग्वेजेस है इसमें वो सिर्फ स्क्रिप्ट मोड पे बेस्ड होती है, वो इंटरैक्टिव नहीं होती है. स्क्रिप्ट मोड मतलब आप पूरा कोड एक साथ लिखते हैं एंड देन उसको कंपाइल करते हैं. लेकिन पाइथन में एक इंटरैक्टिव मोड होता है, यानी कि आप लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे. फर्स्ट लाइन आपने लिखी, देन आपने चेक किया ये अगर ठीक है तो आपको एरर नहीं आएगी, नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे. फिर सेकेंड लाइन आपने लिखी वो भी ठीक है. इंटरैक्टिव मोड यानी कि लाइन बाय लाइन आपको साथ के साथ आउटपुट दिख रहा है, आप पूरा कोड एक साथ नहीं लिख रहे, आप एक टाइम पे एक ही लाइन लिख रहे हैं और उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एक ही लाइन लिख रहे उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया प्रिंट आई एम गुड. ओके, प्रिंट किया करवाया हमने आई एम गुड, और नेक्स्ट लाइन में फिर से मैंने प्रिंट कराया हे हाउ आर यू. सो एक लाइन पे फर्स्ट लाइन देखेगा प्रिंट आई एम गुड, उसको एंटर हम जैसे करेंगे तो पहले उसका आउटपुट देगा, फिर हम सेकेंड लाइन लिखेंगे फिर उसका आउटपुट आएगा. बाकी लैंग्वेजेस में सारी लाइन्स हम एक साथ लिखते हैं एंड देन उसको एक साथ हम उसको कंपाइल करते हैं. इसलिए हम पाइथन को बोलते हैं इंटरैक्टिव, जिसमें कि हम पाइथन प्रॉम्प्ट के साथ डायरेक्टली प्रोग्राम को के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. ओके, और इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड को हम डिटेल में भी देखेंगे. इवन मैं आपको प्रोग्राम जो है, जो मैं बोल रही हूँ कि कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है एक लाइन बाय लाइन, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी बाद में. ओके, अभी आपको जस्ट इन की टर्म्स को समझना है, इनका मीनिंग क्या होता है. थर्ड है पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके, अब देखो जो लैंग्वेजेस होती है बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक होती है प्रोसीजरल, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. प्रोसीजरल लैंग्वेजेस बेसिकली क्या करता है, वो कोड उसका जो फ्लो होता है वो फर्स्ट लाइन से कोड को स्टार्ट करता है पढ़ना एंड देन वन बाय वन कोड को रीड करते जाता है एंड देन लास्ट तक जाता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है. लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है. जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन या किसी को कॉल करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्टली वही फंक्शन पर्टिकुलर हमारा कॉल हो जाता है. यानी हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ क्लासेस बनाते हैं. ओके, ये जो है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाना, ये हमारे लिए प्रोसीजरल के कंपैरिजन में ईजी भी होता है, फास्ट भी होता है. इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है. जो आपकी पहले पुरानी लैंग्वेजेस थी लाइक बेसिक्स, सी, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी. स्पेशली जो एग्जांपल है आपका सी लैंग्वेज, ये बिल्कुल प्रोसीजरल लैंग्वेज थी. उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते थे, ये आपको प्रोसीजर चलता था लाइन बाय लाइन कोड टॉप टू बॉटम अप्रोच. लेकिन जो बाद में लैंग्वेजेस आई लाइक सी के बाद C++ आई, C# आई, जावा आई, अपनी पाइथन है, ये सारी जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते हैं और उनके ऊपर ये काम करता है. सो पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एनकैप्सुलेट्स कोड विद इन ऑब्जेक्ट्स. ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोड पूरा होता है और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट है पाइथन इज़ अ बिगनर्स लैंग्वेज. पाइथन जो है बिगनर्स की लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए फर्स्ट टाइम है तो C++ इन लैंग्वेजेस में जाने से बेटर है कि आप पाइथन से स्टार्टिंग करें, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसको समझना बहुत इजी होता है. ओके, और इस पर वर्क करना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली. इसमें जो लाइब्रेरीज है वो दूसरी लैंग्वेज के कंपेरिजन में ज़्यादा है हमारे पास. ओके, और ये कुछ एडवांटेजेस है जिनकी वजह से इसको बिगिनर्स लैंग्वेज भी बोला जाता है. सो पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स लेवल प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू WWW ब्राउजर्स टू गेम्स. तो हमें सारे टाइप की, आपको कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है, कोई सिंपल गेम बनाना है, कोई आपको वेबसाइट बनानी है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो सारी कुछ ही हमें प्रोवाइड करता है. ओके, और दूसरे कंपैरिजन दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है इसको अंडरस्टैंड करना, इसलिए इसको बोला जाता है पाइथन इज़ अ बिगिनर्स लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन पे, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. जो भी हमने पढ़े थे लाइक की फीचर्स उससे थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसमें पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ऊप्स. तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल के साथ साथ हमें ऊप्स जो है OOP, ये जो हमने अभी पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यही इसकी फुल फॉर्म है. ओके, ऊप्स का जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा था यहाँ पे, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में OOP लिखते हैं और उसको बोला जाता है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके,
स्कोप्स। सो ये जो है हमारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी है और साथ में स्कोप्स भी है। ऑप्शन में देखा था क्यों है अभी। सेकंड, इट कैन बी यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कैन बी कंपाइल टू बाइट कोड फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशंस। ये हमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है और बाइट कोड मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था इसमें सेकंड, इसलिए मैं आपको बोलूँ जो हमने एडवांटेजेस पढ़े उसके से मिलते जुलते आपके करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड में है ना, मैंने आपको बताया था एक तो हम स्क्रिप्ट पूरी हमने एक साथ प्रोग्राम लिखा उसको कंपाइल किया वो भी हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। आप लाइन बाय लाइन कोड को बाइट बाय बाइट उसको रीड करके एग्जीक्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ओके, और साथ में ही कंपाइल कर सकते हैं इसके बाइट कोड को भी फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स एंड सपोर्ट्स डायनेमिक टाइप चेकिंग। ये हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स हमको प्रोवाइड करता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स इसमें होते हैं। लाइक डेटा टाइप्स क्या होते हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे ओके। तो हमको बहुत सारे डायनेमिक डेटा टाइप्स ये प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स डायनेमिक टाइप चेकिंग जिसमें टाइप चेकिंग है वो भी डायनेमिक होती है। ये सब जो टर्म्स आ रही है इससे आपको पैनिक नहीं होना है कि नई चीज़ क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके। सो डायनेमिक डेटा टाइप्स में प्रोवाइड करता है, डायनेमिक टाइप चेकिंग में प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हमें प्रोवाइड करता है ओके। फिनिक्स, इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद सी, सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिव एक्स, कोर, बन, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस के नेम्स हैं। इनके साथ हम इसको बहुत ही ईजिली इंटरैक्ट कर सकते सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइथन की। उसके बाद एप्लीकेशन से पाइथन की। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन है इजी टू लर्न, जैसा कि हमने देखा इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल होता है, इसमें कीवर्ड्स दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में कम होते हैं। वापस से कीवर्ड्स क्या है मैम, ये सिंपल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, सिंटैक्स क्या होता है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके। अभी सिर्फ हम इसके सिंपल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसमें कीवर्ड्स दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में कम होते हैं, क्योंकि आपने दूसरी लैंग्वेजेस अभी पढ़ी नहीं है इसलिए आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं ना। बट आपको ये समझना है कि पाइथन वाली बेस्ट क्यों है वो आपको दिमाग में रखना है। सो इट हैज़ फ्यू कीवर्ड्स, कम कीवर्ड्स में देता है, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका और इसका सिंटेक्स भी एकदम क्लियरली डिफाइंड होता है। सिंटेक्स देख के पता लगा देंगे कि हाँ भाई ये क्या काम करने वाला है पर्टिकुलर फंक्शन ओके। दिस अलाउज अ स्टूडेंट टू पिकअप द लैंग्वेज क्विकली, किसी भी स्टूडेंट को ये लैंग्वेज बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है। ईजी टू रीड एंड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड विजिबल टू द आइज ओके। बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है लैंग्वेज, हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईजी टू मेंटेन, इसके सोर्स कोड को मेंटेन करना बहुत ईजी होता है क्योंकि इसका सोर्स कोड बहुत छोटा होता है दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। सी का कोड अगर कोई हम पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम बना रहे हैं ओके लाइक फैक्टोरियल का, तो सी में अगर हमको 10 लाइन लग रही तो पाइथन में आपको वहाँ पर सिर्फ 6 लाइन लगेगी। तो इसका कोड भी छोटा होता है तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि जो लाइब्रेरीज होती है सी सी प्लस प्लस में वो हमको क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है हर प्रोग्राम के साथ में, हेडर फाइल्स ऐड करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हेडर फाइल्स कुछ भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है, हमें कुछ भी अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ईजी टू मेंटेन बोलते हैं। अब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसकी मैं भी बात कर रही थी, लाइब्रेरी सबके अंदर होती है, सी सी प्लस प्लस के अंदर भी होती है, लेकिन उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पाइथन के कंपेरिजन में हमको लाइब्रेरी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उनको हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक्सेस हो जाती है। अब लाइब्रेरीज़ का मीनिंग क्या है, कैसे इंपोर्ट हो रही है, उसके अंदर होता क्या, ये सब हम स्टडी करेंगे ओके बाद में। नाउ लाइब्रेरी में देखिए, पाइथन्स बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज़ वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन यूनिक्स, विंडोज़ एंड मैकिंटोश। सो यहाँ पे पोर्टेबल का मीनिंग सबको पता होगा, यानी कि हम उस पाइथन कोड को उसकी जो लाइब्रेरी है बहुत सारी लाइब्रेरीज हमको प्रोवाइड करता है और साथ ही ये पोर्टेबल भी होता है, यानी कि आप पाइथन कोड को चाहे आपने सपोज़ पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ आपने अपने प्रोग्राम को विंडोज़ पे लिखा है और अब उसको आप रन करना चाह रहे हो मैकिंटोश पे, मैकबुक पे है ना, एप्पल के उस पे सॉफ्टवेयर पे, तो मैक पे अगर आपको रन करना है तो आपको सिंपली उस कोड को ला के आप पाइथन सॉफ्टवेयर में रन कर दीजिए तो भी वो रन हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइब्रेरीज जो है उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है और उसको लाइब्रेरीज जो है ऑटोमेटिकली कोड जो है लाइब्रेरी को जो लाइब्रेरीज को रिक्वायर्ड उसको एक्सेस कर लेता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको इजीली रन कर सकते हो, कोड आपने चाहे विंडोज़ पे लिखा है उसको आप रन मैक पे भी कर सकते हो, यूनिक्स पे लिखा है उसको रन आप विंडोज़ पे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेबल है। फिर इंटरैक्टिव मोड हमने भी पढ़ा ही था,
इंटरेक्टिव मोड यानी लाइन बाय लाइन डिबग करता है कोड को. सो इंटरेक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ स्निपेट्स ऑफ कोड, एक टाइम पे एक एक लाइन को ही डिबग करता है, टेस्ट करता है. पोर्टेबल अभी बताया था, वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड हैज सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. सभी कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, कोई भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी पे इसका इंटरफेस सेम रहता है. हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे जावा लैंग्वेज है, तो जावा जो है उसके लिए आपको जावा एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. तो वो जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पर रन करने के लिए. पाइथन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. एक्सटेंडेबल है, आप यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर. दीज मॉड्यूल्स इनेबल प्रोग्राम्स टू ऐड और टू कस्टमाइज देयर टूल्स टू बी मोर एफिशिएंट. ओके, आप खुद उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो मॉड्यूल्स वगैरह. तो एक्सटेंडेबल मतलब कि आप जितना चाहो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, एक्सटेंड हो सकती है. फिर डेटाबेसेस, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस. जीयूआई प्रोग्रामिंग, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एप्लीकेशंस हमको हम इसमें बना सकते हैं, लाइक अपने मोबाइल एप्लीकेशंस देखी होगी, बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, जो हमको चलाने में ईजी रहती है उसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एप्लीकेशंस, तो उस टाइप के एप्लीकेशंस आप पाइथन के थ्रू बना सकते हैं. लास्ट है आपका ये स्केलेबल. ओके, सो स्केलेबल का मीनिंग हो गया आपका, पाइथन प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स देन शेल स्क्रिप्टिंग. ठीक है, तो ये सारे जो स्टफ के एप्लीकेशंस हैं, आपको इनको इतना रटना नहीं है. आपको क्या करना है, इन टर्म्स को जो है इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन, इनको ध्यान रखना है. और आप इनको सिर्फ याद करके रखिए, बाकी आपको इसके अंदर का कंटेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जैसे जैसे आप पाइथन को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी. और फिर एट द एंड आप खुद अपनी मर्जी से भी इसका आंसर लिखने में जितना कैपेबल हो जाएंगे. ओके, सो जस्ट पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि पाइथन हमारे लिए क्यों अच्छी है. ओके, सो आज बस इतना ही. कल हम पाइथन के कोड की तरफ चलेंगे, उसमें डेटा टाइप्स वगैरह को स्टडी करेंगे. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. Thank you so much.